धर्मशाला के बगली बूथ पर बम्पर वोटिंग का दौर है। इस बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर है। कांगड़ा चंबा सीट से कांग्रेस ने आनंद शर्मा और भाजपा ने राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। उपचुनाव की बात करें तो धर्मशाला में तिकोना मुकाबला है। भाजपा से सुधीर शर्मा, कांग्रेस से देवेंद्र जग्गी व राकेश चौधरी आजाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। धर्मशाला में 89 बूथ है, कुल 85,000 से ज्यादा वोटर हैं। बगली बूथ पर लगी लाइनों से जाहिर हो रहा है कि यहां 80% से ज्यादा वोटिंग होगी। इससे चुनाव आयोग का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कथोक ज्वालामुखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और आज 1 जून का दिन है और हम धर्मशाला के बूथ नंबर 52 बगली में हैं और यहाँ उपचुनाव और लोकसभा की कांगड़ा चंबा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह के अभी 8:30 बजने को है, लेकिन यहाँ एक लंबी कतारें वोटिंग के लिए हैं। 1100 से ज़्यादा यहाँ वोटर है और त्रिकोणीय मुकाबला धर्मशाला उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ हो रहा है। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र जग्गी है, भाजपा की ओर से सुधीर शर्मा है और आजाद प्रत्याशी के तौर पर राकेश चौधरी हैं। राकेश चौधरी का बूथ पद्र जदरांगल में है। सुधीर शर्मा ने कुछ समय पहले अपने रक्कर बूथ पे वोटिंग की है और शामनगर में देवेंद्र जग्गी ने वोट डाला है। तो आज ये वोटिंग हो रही है। कांगड़ा चंबा में 15 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, कुल वोटर हैं, लेकिन धर्मशाला की बात करें तो यहाँ 89 बूथ हैं और 85,000 से ज़्यादा वोट है। तो सुबह ही वोटिंग के लिए ज़बरदस्त क्रेज है। चुनाव आयोग का जो टारगेट है कि 80% वोटिंग का लक्ष्य पूरा करना है, तो ये एक तरह से कम इस बूथ पर तो पूरा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और सबसे लंबी कतारें इस बूथ पर लगी हुई हैं और शाम तक यहाँ उम्मीद है कि बम्पर वोटिंग इस बूथ पर होगी। और अभी यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं जो यहाँ वोट कास्ट करने पहुँचे हैं, तो शाम तक ये वोटिंग जो है वो 80% को टच कर जाएगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। तो बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ, जल्द ही नए अपडेट के साथ मिलेंगे। सीनियर सिटीजन हम अभी साढ़ा लाख लोग फोटो अपने कैमरे जिन्हें रहे हैं खुवाने थोड़ा जाएगा हाँ अपन बड़े भी होना चाहिए। सीनियर सिटीजन हम लोग साढ़ा लाख लोग फोटो अपने कैमरे जिन्हें रहे हैं खुवाने थोड़ा जाएगा हाँ अपन फोटो भी होना चाहिए। Laureate Institute of Pharmacy, name is enough in the field of education. Hey there, if you my friend is going to choose Laureate Institute of Pharmacy, you have an impeccable taste in the menu, which you are being provided global rate facilities with numerous sophisticated tech series equipments to speed up the research work on small skill. Admissions open for diploma, bachelor's, master's degree in pharmacy, PhD, B Pharmacy Practice and PharmD.